वेरी वेरी गुड दोस्तों, इतना काम रहता है मेरे पास कि थोड़ा सा ऊंच नीच तो ऊंच नीच नहीं, सिर्फ नीच हुई थी नीचे गिरा था। कभी ऑफ होता ना वीडियो तो एक दो गाली तो दे ही देते। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? होप करता हूँ आप सभी मेरे तरह अच्छे होंगे। तो ठंड का सीजन आते ही दोस्तों तलब लगती है गर्मा गर्म पराठे की। हर किस्म के पराठे, गोभी के पराठे, प्याज के, टमाटर के, गाजर के, नहीं प्याज के, गोभी के और तो, गाजर के, नहीं गाजर के ये बनते होंगे, मैं नहीं बनाता। अरे मुझे ये नया गाजर का पराठा डिस्कवर किए हैं और आज ये गाजर के पराठे बताएंगे। नहीं बनता होगा, कोई ना कोई तो बनाता होगा दोस्तों। स्लो स्लो में कुछ ज्यादा ही निकल गया है। अरे मैं नहीं बनाता ना, कोई बनाते ही होगा। तो मैं गोभी का पराठा बनाने जा रहा हूँ। आप जा रहे हैं? तो मैं ही तो भाई हर ब्लॉग में स्टार्टिंग में क्रेडिट ले लेता है, कितने झूठे। अभी आप देख लेना दोस्तों कौन बनाता है। हाँ ठीक है, चलो बोल दोगे ना तो फिर बनाना। और आप देखते रहना, बने रहना ब्लॉग में, और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो फिर आप भी अपने घर पे ट्राई करना। बाकी मैं ही बनाने वाला हूँ। तैयारी कर ली है दोस्तों मैंने। तो आज थोड़ा प्लान में थोड़ा सा चेंज है कि आज मैं नहीं बना रहा हूँ। आज ये अपॉर्चुनिटी मैंने आज नहीं है, हमेशा यही है। तारीफ सुननी है बहुत बड़ा। आज मैंने ये आज मैंने ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी शालिनी को दी है। चलो दोस्तों देखो, आटे में ना आप नमक अच्छे से डाल लो गोभी के पराठे के लिए, जितना हो सकता है आपको नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसी में डालना है अपन को। क्यों? क्योंकि गोभी में जितना डालेंगे ना, मुंह भी दिखा दो। गोभी में जितना डालेंगे गोभी में जितना ये काम मैंने खुद ही करना ही नहीं है बंदा ब्लॉग में, इसलिए गोभी में घुस रहा गोभी गोभी जैसे लग रही है। तो जितना भी आप नमक इसमें डालोगे तो ये पानी छोड़ देता है गोभी। हाँ, अब इसको मेरे को मुंह के पास लाना पड़ा। सड़े हुए गोभी क्यों दिखा रही हो तुम मेरे कैमरे में? सड़े हुए गोभी क्यों? मुझे सड़े आप लाए हो ना, मैं तो आप ही हूँ। नहीं नहीं ठीक है, वो तो दाग है। हाँ, तो इसमें पानी छोड़ देगा तो नमक हमको लास्ट में एकदम बनाने बैठेंगे ना तब डालेंगे, वो भी थोड़ा सा। इसमें मैंने ज्यादा नमक इसीलिए डाल लिया। अच्छा, और इसके अलावा ये क्या है? धनिया पत्ती है, हरी मिर्च और अदरक मैंने ग्राइंड किया है। चलो अभी वो बाद में एक एक करके, पोच पोच मत करो। इसमें थोड़ा सा ऑयल भी डाल लेते हैं और इसको थोड़ा हार्ड सानी है अपन आटे को, ठीक है? बहुत सॉफ्ट नहीं, बहुत सॉफ्ट नहीं, थोड़ा सा हार्ड। अब ये इतनी मेहनत का काम मैं कर लूं फिर मिलती हूँ। ये आटा रेडी है दोस्तों। हाँ, अब इसमें हम लोग ना थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं और इसको रख देंगे 15-20 मिनट के लिए, ठीक है? इसको अपना टाइम लेने देते हैं हम लोग। चलो दोस्तों, ये मेरे को इसने ये काम दे दिया, गोभी को घिसते रहो बैठ के। दोस्तों मैंने अपना जो भी था स्टेप करके आटा रख दिया है, पीछे देख सकते हो कोई कुछ काम कर रहा है। काम कर रहा है कि दिखावा कर रहे हो? अरे कर रहा हूं, ये बताओ। इन्होंने बोला तुम कैमरा पकड़ो और दिखाओ कि मैं कितना काम कर रहा हूँ। मोटे वाले से करो या पतले वाले से? देखो अब दूर से दिख नहीं रहा है तो बोल रहे हैं इनडायरेक्टली तुम जाओ जूम करके दिखाओ कि मैं कितना काम कर रहा हूँ। चलो दोस्तों इनकी ख्वाहिश पूरी करते हुए हम आते हैं, दिखाते हैं आपको। अच्छा ठीक है, ये तो ऐसा ऐसी चीज़ ना, बड़े वाले से एक छोटा एक बड़ा है ना। हाँ, बड़े मोटा वाले से इसको उसको ऐसे नहीं करना है, ऐसे पता है मेरे को। हाँ, हाथ में मत लगवाना, जोर से पूरा वो पकड़ के बॉडी अच्छे से हाथ में मत लगवाना। देखो वेरी वेरी गुड, ये है हमेशा तो यही काम करते हैं। अरे हो जाता दोस्तों, इतना काम रहता है ना मेरे पास कि थोड़ा सा ऊंच नीच तो ऊंच नीच नहीं सिर्फ नीच हुई थी नीचे गिरा था। इनके काम करने में ग्रेविटी का यूज ज्यादा होता है सामान का। ये तो इसको भी घिसना है? नहीं 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 नहीं, इसको भी करूंगी मैं, थोड़ा सा इसका काम पड़ता है। इसको रख दो अभी साइड में। अब आपके दिखावा वाली शूट हो गई है तो मैं आ जाऊं? हाँ ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको थोड़ा सा मिलती हूँ। दोस्तों मैंने बोला दो मैं कर दूं आगे तो, पर नहीं, जो काम इन्होंने हाथ में लिया है
वो पूरा गिरा के ही रहेंगे। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी ना दोस्तों, तो बस कर दी। अच्छा, ये पूरा काम मैं ही करूंगा, चाहे आज करूं या फिर कल तक। हाँ कल तक। इनको तो अच्छा गर्मा गर्म पराठा मिलेगा। गोभी ठीक नहीं है यार, गोभी ठीक नहीं दोस्तों। गोभी तो ठीक है, काम करने वाला ठीक नहीं है। लोहे की गोभी है क्या? कभी कभी हाथ चलाने से हाथ चलते नहीं है। गोभी तो सही है। ठीक है, करो 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 करो। आया दोस्तों, देखो ये हो गया। ये मैंने किया है। अरे इतनी झूठी नहीं, ये देखा है लोगों ने कि किसने किया। कैमरे पे तो झूठ मत बोलो यार, शराफत निकल रही है। अभी अभी कभी ऑफ होता ना वीडियो, तो एक दो गाली तो दे ही देते। झूठ बोलोगी तो गाली कहोगी। हाँ, ये हो गया। बोल कौन रहा हरीश चंद, हमें ही बनाऊंगा आज पराठे। ठीक है, अब हमें इसमें क्या है, ये देखो अदरक ग्राइंड किया हुआ। ठीक है, ये हरी मिर्च और ये धनिया, जो जो जलेगा, सॉरी जलेगा नहीं डलेगा। और धनिया पाउडर, ठीक है ये लो। और कितना तीखा आप झेल लोगे बताओ? बहुत ज्यादा। डाल दो ये पूरा? पूरा डाल दो, पूरा डाल दो, खुद ही नहीं खा पाएगी। चलो, और ये लाल मिर्च पाउडर डाला था दोस्तों, और अब हम लोग थोड़ा सा जीरा पाउडर भी डाल देते हैं। ठीक, और नमक हम एकदम एंड में डालेंगे जब मैं पराठे बनाना स्टार्ट करूंगी। और दोस्तों नम, जैसे इसमें आपको हल्का पानी दिखेगा ना जब आप नमक डालोगे, एक पराठे दो पराठे तो बना लोगे आप, बट उसके बाद तीसरे चौथे में बहुत पानी होगा तो प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना, हमें गेहूं का आटा एक चम्मच डालना होगा इसमें। ठीक है, तो मैं पहले ही डाल के आपको बता दूंगी। इसको अच्छे से हमें मिलाना है। लाल मिर्च थोड़ा और लगेगी। मैं तुम्हें बोलने वाला था। बहुत टेस्टी लगेगा, सीखते सीखते ना ये अच्छे से भुन जाएगा, पक जाएगा। और भाई तैयारी हो गई? अभी तुम कुछ बताने वाली थी? हाँ मैं बताने वाली थी। हाँ तुम कुछ बोलने वाली थी? हाँ, इसके पहले के क्लिप पे दोस्तों देखना, आवाज आ रही है पीछे से, बैकग्राउंड से ऐसे टाइप की। तो क्या है ना कि वो हम दोनों को पप्पी बहुत पसंद है, तो नए नए पप्पी हमने पाला हुआ है, तो वो पानी पी रहा था दोस्तों। वो मैं खा रहा था वो मैं खाते हुए शूट कर रहा था ना, इसलिए वो आवाज आ रही थी। झूठ क्यों बोलती है, कुत्ता पालन का वो मैं खा रहा था दोस्तों। वो पीछे आपको एक बैकग्राउंड में ना एक नॉइज आएगी वो मुँह चलने की। पराठे की शुरुआत हो गई है दोस्तों। ये इसने लोहे काट लिए और ये देखो इसका मेन मसाला नमक। अब हम बनाएंगे ना, तो अब लास्ट में हमें नमक डालना है। जितना मैं ज्यादा नहीं डाल रही हूँ, आप देख रहे हो मैंने इसमें पराठे बनेंगे यार, एक दो तीन चार पाँच छः बस। तो आप एक दो तीन चार आप खाओगे, दो एक मैं खाऊंगा, पांच एक खाएगी दोस्तों। ठीक है, और इसमें नमक मिलाने के बाद देखो पानी जैसे ये गीला गीला हल्का सा लगेगा आपको दोस्तों, तो आप ये आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा हल्का सा आटा मिला दो इसमें, हल्का सा। ठीक है, बस बस फिर बस ये पानी अब एब्जॉर्ब कर लेगा, आटे का पराठा बन जाएगा। नहीं, ये पानी पकड़ लेगा पूरा और आपको बेलने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये ट्रिक है, ट्रिक मैं जो बताती हूँ एकदम परफेक्ट बताती हूँ दोस्तों, सबको पता है ट्रिक। ठीक है, अब हम इसको बनाएंगे पराठे अपने। चलो, भरने का प्रोसीजर सबका सेम है, आलू हो गोभी हो चने का सत्तू हो, इसमें कंजूसी मत करना दोस्तों, ये एक में ही सारा भर देना। मेन फ्लेवर गोभी का ही है, घट ना जाए गोभी यार। ये तो बहुत आसान है यार, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। चलो अब हम बनाएंगे इसको। बहुत सारा आटा डाल दिया है। अरे यार तो फटेगा ना, गोभी भी है इसमें थोड़ा सा।
अभी देखो इसको थोड़ा सा हाथ से ही बड़ा कर लेना है हमें। काफी मोटा है यार ये तो। कर रही हूँ अच्छा। कर रही हूँ, टाइम लगता है। ठीक है ठीक है, ज्यादा पतला मत करना, बस इतना ही बड़ा। नहीं तो बोलो तो रोड रोलर मंगा लूं। बनाने तो आप वाले थे ना। लाना मैं बोल दूं रंद्र। बकवास करना है बस। देखो ना पानी जो रहता है ना अंदर गोभी के, इसी के कारण फटने लगता नमक डालने के बाद। थोड़ा आटा और लगेगा उसमें। बस बस हो गया और मत पतला। कच्चा रहेगा ठीक है। हो गया हो गया हो गया। घी से बनाओ कि ऑयल से बनाओ? ऑयल से बनाओ, घी से नहीं। ये इसने पहले से दिए बना लिए आटे। अब इसमें हम आप घी भी बढ़िया देसी घी। गोभी की खुशबू आ रही है। अब यार इसकी ना खुशबू आ रही है। इतना गर्मा गर्म पराठे देखते हुए ना बचपन की याद आती है दोस्तों। जब हम ले जाते थे ना टिफिन में आलू के पराठे या फिर गोभी के पराठे, किसी भी चीज़ के पराठे, तो लंच के टाइम इतनी भूख लग जाती थी ना कि हम वेट करते रहते थे। पहले पीरियड से ही मैं तो वेट करने लगता था कि कब लंच का टाइम हो और जो घर से पराठे लेके आए वो ना पराठे खाएं, और सारे दोस्तों में वो नहीं लगता था कि कौन खाएगा किसका खाएगा। सारे टिफिन वैसे तो शेयर करके हम वैसे छीन कर खाते थे। बचपन की यादें दोस्तों, अब बड़े हो रहे हैं सब लोग को। अब वो लंच बॉक्स चार के साथ जब हम खोलते थे, सब देखते थे एक दूसरे के टिफिन कौन क्या लाया है। पर एंड ऑफ द डे तो अपना ही है जो बेस्ट। देने का मन नहीं करता था, पर दूसरे का टिफिन क्या है दोस्तों लेने का जरूर मन करता था। लड़कियां तो वैसे भी अपना अपना छिपा छिपा कर खाती है, लड़के तो फिर भी एक दूसरे को छीन कर शेयर करके खाते थे। लड़कियां तो टिफिन से टिफिन को छिपा कर बैठ के छुप छुप। बस बस लड़कियां ठीक है। चलो हो गया है दोस्तों, देखो गर्मा गर्म पहला हमारा गोभी का पराठा तैयार है। खुशबू कितनी जबरदस्त आ रही है। ये लो और मेरे थाली में डाल दो, मुझे इतनी भूख लगी है। मैं चल खाने, देखो जरा। रुको तो इसको अंदर से दिखा दिया जाए इसकी स्टफिंग। ये देखो मेरे अंदर कुछ नहीं है। अरे अरे यार गोभी यार खुशबू आ रही बहुत जबरदस्त। दोस्तों अब गर्मा गर्म पराठे की टेस्टिंग की बारी है कि सालू ने इतनी मेहनत से कैसे पराठे बनाए। वैसे देखने में लजीज है और खुशबू तो इतनी जबरदस्त आ रही है। गर्मा गर्म यार पराठे का मजा ना गर्मा गर्म में ही है, ठंडे होने के बाद उसका मजा नहीं है। चलो देखता हूं। हाँ तो लोगे ना, हर बार कहते हैं कि तुम ऐसे गर्मा गर्म टेस्ट कराती हो, मुंह जल जाता है मेरा। चटनी लगा के बहुत ही बेहतरीन दोस्तों, जबरदस्त गर्मा गर्म पराठे खाने का मजा ही अलग है। चाहे वो किसी भी चीज का पराठे हो, ये तो वो भी क्या बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही लाजवाब। गर्मा गर्म तो मजा आ गया यार। दोस्तों आप ही खाओ और ट्राई करो, मजे लो विंटर सीजन में गोभी के पराठे के। और हम भी जा रहे हैं, मुझे भी भूख लग रही है, तो हम लोग खाते हैं। तब तक आप सब्सक्राइब की बटन दबा दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो और बस कनेक्ट रहो हमारे साथ। फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट बाय। देखो गुड नाइट ही है बाय।